आरबीआई ने 6 बड़े बैंकों के एफडी रेट्स में बड़ा बदलाव करने का फैसला किया है। अगर आपका भी इनमें से किसी बैंक में अकाउंट है तो ये वीडियो ध्यान से देखें। दरअसल आरबीआई की 4 से 6 अक्टूबर 2023 तक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होगी और इस मीटिंग को लेकर उम्मीद ये है कि सेंट्रल बैंक रेपो रेट को नहीं बदल सकता है। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है प्राइवेट बैंक के HDFC बैंक का, जिसमें 2 स्पेशल टेन्योर के लिए FD इंटरेस्ट रेट में कटौती की है। ये स्पेशल टेन्योर 35 से 55 मंथ्स का है और बैंक FD पर 3% से लेकर 7.15% तक का इंटरेस्ट पेश कर रहा है। दूसरे नंबर पर है बैंक ऑफ इंडिया, जिसने 2 करोड़ से कम के निवेश पर FD इंटरेस्ट को रिवाइज किया है। इस बदलाव के बाद बैंक का FD इंटरेस्ट 3% से लेकर 7.25% तक हो चुका है, जो कि 7 से 10 साल के टेन्योर के लिए है। तीसरे नंबर पर है पंजाब एंड सिंध बैंक, जिसने 2 करोड़ से कम के निवेश पर इंटरेस्ट रेट रिवाइज किया है। ये बैंक 7 दिन से 10 दिन के टेन्योर पर 2.80 से लेकर 7.40% का इंटरेस्ट दे रहा है। चौथे नंबर पर है IDFC फर्स्ट बैंक, जिसने 2 करोड़ रुपए के इन्वेस्ट पर इंटरेस्ट रेट रिवाइज किया है। इस बदलाव के साथ बैंक 3% से 7.50% का ब्याज दे रहा है। ये 7 दिन से 10 साल के टेन्योर पर इंटरेस्ट पेश कर रहा है। पांचवा बैंक है इंडसइंड बैंक, जो 7 दिन से 10 साल की FD पर 3.50% से लेकर 7.85% का ब्याज दे रहा है। आपको बता दें कि सीनियर सिटीजन के लिए ये बैंक FD रेट पर 8.25% तक का ब्याज दे रहा है और इसके नए ब्याज दर 1 अक्टूबर से एक्टिवेट होंगे। वहीं छठवें नंबर पर आता है कर्नाटका बैंक, जो 7 दिन से 10 साल की FD पर 3.50% से 7.25% का ब्याज दे रहा है। आपका इनमें से किस बैंक में अकाउंट है हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल पैसा लाइव को अभी सब्सक्राइब कर लें।